अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सीन आज का तो कुछ भी नहीं, जुमरात की रात है, रात के 10 बज गए हैं। फिलहाल तो ये सीन है, अपन ने एक और मंगवा ली वॉच। ये इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, कौन सी है? T900 Ultra। अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं आपको, बाकी वीडियो कल कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे, मेरा एक नुकसान भी हो गया। एक मैं अपनी वॉच लाया था मेरे हाल में A10 Pro दुबई से, वो मेरे साथ गिर कर टूट गया। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे उस पर। दिखाता हूँ आपको क्या हाल हुआ उसका। तो बस ये इस वॉच का कुछ हाल हुआ। पीछे तो सही है, मैं अपने दुबई से लाया था, बहुत प्यारी वॉच थी मेरी। ये इसका हाल हुआ, चल तो रही है अभी, मैंने इसे थोड़ा चार्ज किया, ऑन हो रही है। बहरहाल इसका जो टच है वो नहीं काम कर रहा, जोर से दबा के देखते हैं। कोई नहीं, टच नहीं काम कर रहा इसका। चल खैर, जो नुकसान नसीब में था वो तो होना था। बाकी आपको दिखाते हैं वीडियो अनबॉक्सिंग की। The next day. तो गाइस, कॉलेज से मैं आ चुका हूँ, अभी सुबह के 10:20 हो रहे हैं। तो सीन ये है कि आज जाना है जी हमने एक उपटन पर, दिखाते हैं आपको साथ साथ सारे इवेंट आपको दिखाएंगे, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, आ चुके हैं अपनी नई वॉच अनबॉक्सिंग के लिए, करते हैं अनबॉक्स। ये सबसे पहले तो ये इसकी पैकिंग है, T900 Ultra 2 ये वॉच है। तो करते हैं अनबॉक्सिंग, आपको दिखाते हैं अब। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करना। ये आगे कैंची आ गई, ये चीज बहुत बड़ा प्यारा दिया मुझे। बाय द वे, ये अनबॉक्स करना इसके साथ मुश्किल है ना। ये आज कल चीज कर लोग करते हैं इसको अनबॉक्स। ये ब्लैक स्ट्रैप के साथ है, पहले वाले भी ब्लैक स्ट्रैप के साथ ही थी, तो इसका साइज शायद थोड़ा सा छोटा था। ये वॉच सेम ही है तकरीबन, ये थोड़ी हैवी है, उससे ज़्यादा हैवी है ये, सभी से ज़्यादा हैवी है। और स्पेक्स इसका भी वही है, हार्ट रेट है, सिरेमिक केस है, सपोर्ट्स है, ब्लूटूथ है। तो बस यही है, अब मिलते हैं आपसे उधर शादी के टाइम। तो वैसे ही आपको डिफरेंस पता तो लग ही रहा होगा, ये साइज चेक कर रहे हैं, ये वाली 900 और ये वाली 800। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया। तो बस अब मिलते हैं आपसे एक दफ़ा शादी के टाइम। वैसे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी पार्क्यू सिटी पहुंचे हैं। पाँच दिन तो गाइस, असर की नमाज भी मैंने पढ़ ली है,
सीन में आपको अब उधर का दिखाते हैं। अब टन लगना शुरू हो गया, दिखाते हैं आपको साथ साथ। तो गाइस खाना शाना हमने खा लिया, अहमद साहब मीठा खा रहे हैं। हेलो गाजर खा लो, मजेदार मजेदार मजेदार। यार क्या व्यू है खुदा का, चेक करो। फुल सोने वाली हालत हुई हुई है, नींद से बुरा हाल है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, सारा सफ़र और बस दिखाया आपको, इतना नहीं कॉपीराइट का डर था वो, लेकिन फिर भी अनबॉक्सिंग और ये वो सब कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में, किसी और कॉन्टेंट में। और एक और बात, कमेंट्स में लाजमी अगला कोई कॉन्टेंट मुझे बता के जाइएगा। तो बस इसके साथ इजाज़त दीजिए अपने भाई को, मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में, किसी और कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।